पूछे। मे, मेरा नाम बी एस गुप्ता मैं एक एडवोकेट हूं दो कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं जी? दो कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं मेजोरिटी कम्युनिटी 80 परसेंट जिसको कहते हैं हिंदू और 20 परसेंट मुस्लिम्स उनके बीच में गलत या सही ये भावना है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के जोर से फैला था हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगज़ेब के वक्त में हजारों लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने नंबर दो जो कि आज के समय के अनुसार एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है जिसकी परिभाषा में सिवाय क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को छोड़ के बुद्ध जैन को सिखों को सबको शामिल किया गया है क्या मुसलमानों का ये कहना नहीं बनता कि आप सबको शामिल करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में इसका नाम बदल के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पे लागू हो या इसके आल्टरनेटिवली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोनों धर्मों के अच्छे टेनेंट्स को शामिल करे उसको लागू किया जाए एक चीज़ मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लॉ में जो विल है जिसके अंदर ये लिखा है कि वन थर्ड से ज़्यादा कोई विल नहीं कर सकेगा इसका मैं इनकॉर्पोरेशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो मैं चाहूँगा कि वो हिंदुओं पे भी लागू हो ये नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट को अगर इंडियन मैरिज एक्ट में बदला जाए तो मुसलमानों पे लागू हो और हिंदुओं पे कोई चीज़ ना आए मुझे इस्लाम में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी ऐसे ही कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये मुस्लिम आगे क्यों नहीं आ रहे इसकी वजह मुझे बताई जाए भाई साहब ने तीन सवाल पूछे एक सवाल में पहला सवाल कि हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला के नहीं लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि तीन हजार से ज्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया है ये बिल्कुल गलत है अफवाह है ये मैं कह सकता हूं कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाए होंगे हो सकता है लेकिन यह कहना कि तीन हजार से छह हजार मंदिर गिराए गए ये बिल्कुल अफवाह है बिल्कुल गलत है बेबुनियाद है बिल्कुल बेबुनियाद है कुछ 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 मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है बिल्कुल बेबुनियाद है वो हिटलर ने किया बाइबल में तो ही लिखा करना चाहिए इसी तरीके से ये खाली अफवाह है कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा मैं ये कहता नहीं कहता कि नहीं गिराया गया लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है आप देखो टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है अगर आप ये कहते सच है कि तीन हजार से छह हजार मंदिर को गिराया गया था तो आप कैसे जिंदा बचे आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कतल किया गया आप कैसा जिंदा बचे आप जिंदा बचे ये इशादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पर नहीं फैला अगर ये सच होता था आपने कहा हजारों लोगों का हजार लो कतल किया कुछ लोग का शायद कत्ल किया जाएगा देखो हर मजहब में देर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं वो मजहब की गलती नहीं वो मजहब के मानने वाले की क्रिश्चियन में आपको कुछ, -कुछ खराब लोग मिलेंगे मुसलमान में मिलेंगे हिंदू में मिलेंगे अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते ड्रग 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 में धंधा करते ड्रग तो हराम है इस्लाम में करते तो उनको दोष देना चाहिए इस्लाम को नहीं इसी तरीके से आप जो कह रहे हैं हजारों लोगों का कत्ल किया ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है कुछ लोग का शायद क्या होगा और ये ही सबूत है मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80 फीसद से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में है यह शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला आप लोग ने आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना आपको क्यों छोड़ा 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों क्यों छोड़ा अगर दमी था हुकूमत की एक हजार साल सब लोग को मुस्लिम बनाते थे, थे इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला कई लोग कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो यह कहना बिल्कुल गलत है आपका दूसरा सवाल दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए यह अलायद लॉ ने होना चाहिए सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और सब मजहब की अच्छे चीजें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए मैं आपके बिल्कुल साथ हूं बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे मैं आपके साथ हूं क्यों क्यों मैं साथ हूं आपके पहला चीज हम मुसलमान अगर दिगर मजहब के बारे में जानेंगे कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती सबसे ज्यादा नारा मुसलमान गलत है गलत है यह मुमकिन ही नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं ये मुमकिन ही नहीं है मुसलमान तो सिर्फ बीस टका या अस्सी टका या सेवेंटी फाइव टका जो हिंदू लोग हैं उसमें ही मुमकिन नहीं है ये कॉमन सिविल कोड हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है एक कहता है कि बेटी को जाना चाहिए एक कहता है बेटे को जाना जायदाद एक कहता है कि जितनी खेती है वो नहीं जा सकती बेटी को दूसरा ग्रोह कहता है कितने मुख्तलिफ ग्रोह है हजारों ये मुमकिन ही नहीं है पास होना मुमकिन ही नहीं मैं ही कहता हूं ये अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जानते ही नहीं हमको आवाज करने की जरूरत ही नहीं है ये खाली हमें छेड़ रहे हैं क्या कर रहे है? छेड़ रहे हैं और हम उकसा जाते पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए आपने क्या कहा कि सारे धर्मों की अच्छी बात को लेना चाहिए बिल्कुल सही मेरा पहला सवाल आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है तुम तो निकाल देंगे उसको आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि बाकी मजहब की अच्छी चीजें जो है मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइजम एंड इस्लाम तो जो अच्छी चीज हिंदुज्म की मैं ले चुका हूं सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम जो अच्छी चीजें इस याद में ले चुका हूं मैं मैं यह पूछना चाहता आपसे एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे तो उसको निकालेंगे ना लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होगा इंशाला मैं आँगा। मैं आँगा इंशाला हा? मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे हर मजहब की अच्छी चीज होंगे तो मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे उस स्टेज पे इंशाला मैं आऊंगा यह चैलेंज है कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो मिनिस्टर होन दो कोई भी स्वामी होन दो कोई भी शंकराचार्य हों दो इनशाला मैं तालब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मजहब का मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए हक बात जो निकली लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए कबात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए उसके ऊपर अमल होना चाहिए इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुबहाना होता है नाजिल की कुरान शरीफ वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए आपका तीसरा सवाल क्या ये हिंदू जो है इनहेरिटेंस के अंदर ये इनहेरिटेंस जो होता है इस्लाम के अंदर एक या हिस्सा वन थर्ड हिस्सा हम दिल में दे सकते देना जरूरी नहीं है दे सकते हैं इस्लाम के जो विल के अंदर जो आते इनहेरिटेंस वो कुरान के आयत है की सुरन नंबर चार आयत नंबर ग्यारह बारह और हंड्रेड सेवेंटी सिक्स उसमें कहा गया है कि जो भी आपकी जायदाद है अल्लाह सुबह कह चुका है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा आगे लिखा गया है आपके वालदे को वन सिक्स मिलेगा सिर्फ अगर बच्चे है तो वाले वालदा को दोनों को वन सिक्स अगर बच्चे नहीं है तो वालदा को वन थर्ड आगे बढ़ती आयत आयत नंबर बारह पे लिखा है कि आपकी बीवियां जो आपके लिए छोड़ेंगी अगर बच्चे नहीं आपको आधा मिलेगा बच्चे हैं तो एक चौथा मिलेगा आप जो आपके बीवियां के लिए छोड़ते हैं बच्चे नहीं तो उनको मिलेगा चौथा बच्चे हैं तो वन एथ एक आठवा डिफिकल्ट याद रखना आप जाके रेफरेंस देख सकते हैं सूर्य निशा सुधा नंबर चार आयत नंबर ग्यारह से बारह और इसके बाद अगर आप किसको विल करना चाहते हैं अपनी जायदाद मैक्सिमम वन थर्ड लेकिन ये विल जो करेंगे आप ये इन लोगों में से नहीं होना चाहिए आपने कैसे कह सकते मैं मेरे बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता हूं बड़े बेटे से इसलिए उसको ज्यादा दूंगा ये बिल्कुल गलत है लेकिन जो ये दायरे में नहीं आते हैं इनहेरिटेंस के उनको आप एक तिया हिस्सा दे सकते हैं आप कहते हैं आपको ये चीज बहुत पसंद है आप भी करना चाहते आपको कौन रोक रहा है इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से आप अगर विल करेंगे क्या मैं मेरा वन थर्ड हिस्सा देना चाहता हूँ कोई भी रोक नहीं सकता हूं मैं भी नहीं ना मिनिस्टर भी नहीं और पूरा अगर फॉलो करना चाहते सच्चा धर्म आप इस्लाम कबूल कर सकते हम आपको वेलकम करते ना दावान अलहमदिल्ला रबी